हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके चेहरे पर जो मुहासों के दाग धब्बे पड़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमें इसके लिए जायफल को गाय के दूध में घिसे और लेप बना लें और बाद में इसे चेहरे पर 5 मिनट तक मालिश करें। सूखने के बाद पानी से धो लें। आप इस प्रयोग को 4-5 दिन तक कर सकते हैं, आपको फर्क ज़रूर नज़र आएगा। चेहरे पर जो है मुहासों के दाग आ जाते हैं, इसके लिए हमें दालचीनी और शहद को एक साथ मिलाना है। शहद और दालचीनी को एक साथ मिलाकर उसे अपने मुहासों पर हल्के हाथों से मले और साथ में एक पेस्ट भी तैयार कर ले जिसे आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। शहद जो है वो आपकी त्वचा को जो नमी पैदा करेगा। दालचीनी को थोड़ा भून ले, उसके बाद उसे मिक्सर में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर ले, मतलब पीस ले। इस पेस्ट को शहद के साथ मिलाकर 10-15 मिनट तक चेहरे पर लगाएं और इसे आप 5 से 6 हफ्ते इस्तेमाल करें। आपके मुहासे पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। दालचीनी को सिनेमन भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये एक मसाला है, हम भारतीय जो है वो दालचीनी मसाले में यूज़ करते हैं। जायफल ये भी एक मसाले का पदार्थ है। रात को जायफल कच्चे दूध में सादगी से लेप बनाकर चेहरे पर लगाकर सो जाए। सुबह इसे धो ले, इसमें चेहरे में निखार नजर आएगा और साथ ही आपके कील दाब धब्बों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।